नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ग्वालियर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इसी जिले के सभी थानों में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई की गई। सभी थाना प्रभारियों ने थाना बल की टीम बनाकर अलग अलग इलाकों में बदमाशों को चिन्हित करने के लिए लगाया, जो अवैध हथियार रखकर रंगदारी दिखाकर लोगों पर धौंस जमाते हैं। ऐसे 350 बदमाशों और लोगों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए बदमाशों को पकड़ा गया है और उनसे 48 अवैध हथियार बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार रखने वालों ने काफी संख्या में युवा और 5 नाबालिग भी शामिल हैं। एसएसपी राजेश सिंह चंदेल का कहना है कि ग्वालियर पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रखेगी और अवैध हथियार रखकर रंगदारी दिखाने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है असामाजिक तत्वों के विरुद्ध। उसमें आज का फोकस ग्वालियर पुलिस का फिजिकली फायर आर्म्स पे था। ऐसे व्यक्ति, ऐसे बदमाश या ऐसे आदमी जो फायर आर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या लोगों को धमका रहे हैं, दहशत का वातावरण कर रहे हैं या अपराधों में इस्तेमाल करते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया था पिछले कुछ दिनों से। ऐसे 350 लोग आइडेंटिफाई किए गए पूरे जिले भर में और उन सब की तस्दीक की गई जिनके पास जो फायर आर्म्स मिले हैं उन पर फायर आर्म्स की कार्रवाई 25-27 आर्म सेट की कार्रवाइयाँ की गई हैं। इनमें हमको 48 ऐसे कट्टे सहित इस तरह के लोग मिले हैं जिन पर कार्रवाइयाँ हुई। इनमें से कुछ बच्चे, कुछ नई उम्र के लड़के भी हैं, कुछ नाबालिग भी हैं, करीब 5 के आसपास नाबालिग हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। ये बेसिकली अभियान जो है एक दहशत का वातावरण जो फायर आर्म्स के माध्यम से लोग करते हैं उसको दूर करने के लिए किया गया है और ये पूरे ज़िले भर में एक 48 फायर आर्म्स पकड़े गए हैं। इसके साथ में आज एक NSA की कार्रवाई भी हुई है भीतरवर से और 8 स्थायी वारंट महाराजपुरा पुलिस ने पकड़े हैं। एक 16 किलो 200 ग्राम के आसपास का गांजा पकड़ा है 2 लाख का, जो महाराजपुरा पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने मिलकर पकड़ा। तो एक अच्छी कार्रवाई आज दिन में अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान हमारा चल रहा है उसमें की गई है। इसमें जो सूचना मिली थी महाराजपुरा पुलिस को, तो उसमें CSP और इन लोगों ने जो टीम बना के और क्राइम ब्रांच के कुछ लोगों को साथ में लेके पकड़ा, तो उसमें करीबन 8 पाइप मिले हैं और करीबन 16 किलो उस पाइप में रख के ले जाते थे वो। तो एक अच्छी सफलता मिली है। इसमें इनके सोर्सेस का भी पता लगा रहे हैं, अभी बाहर से लाना बता रहे हैं और उनको वेरीफाई कर। इसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं गांजे वाले। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।